दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड नॉट पे प्रमोशन आई हैव परचेज ईच एंड एवरी थिंग बाय माई ओन मनी थैंक यू अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और जैसा कि आज की वीडियो बड़ी डिफरेंट सी और बहुत मज़े की होने वाली है, जैसा कि आपको थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा। टुडे आई शेयर द शॉपिंग हॉल वीडियो, जो आपके साथ मैं अपनी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। ये बजट फ्रेंडली है, अफोर्डेबल प्राइस में है और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करना। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगी बेल को भी हिट कर दिया करें, इससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्सल को ओपन करते हैं जी, देखते हैं इसमें क्या ऑर्डर किया था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत कम बजट में रह के भी आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी इन सब के मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँ, ताकि आपको अगर कोई भी इसमें से बाय करना हो तो आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। ये जी गार्लिक ग्रेटर है, तो एक पेज पे मैंने इसको देखा तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो किचन गैजेट है तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। आप देख इसे इजीली आप ना गार्लिक को ग्रेट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। आपने इसके कैप को रिमूव करना है और इसके अंदर आपने एक गार्लिक का क्लोव रख देना और इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये हमारा गार्लिक ईजीली ग्रेट हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। ये गार्लिक जिंजर ईजीली ग्रेट हो जाता है, तो आप इसको दोबारा से जब यूज़ कर लें तो इसका टॉप रिमूव करके इसको अच्छे से वॉश कर लें। और यहाँ मैं आपके साथ ये बात भी शेयर करती जाऊँ, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, जो आपको अच्छे लगे तो वो आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट पैकेज को आप अनबॉक्स करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने अभी तक कोई पैकेट ओपन नहीं किया था कि मैं आपके साथ ओपन करूँगी। मुझे ये अंदाजे हैं कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया, देखते हैं कि सेम वैसा ही आया है कि नहीं। और इन सब के लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। और जी मुझे याद आ गया, मैंने इसको ऑर्डर की थी लिपस्टिक पिंक फ्लैश की, जैसा कि आजकल इसने बड़ी हाइप क्रिएट की हुई है, एक न्यू ब्रांड आई है। तो मैंने इसकी ना ये मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मैंने ना इसको ऑर्डर किया। पैकिंग तो बहुत आला की हुई है और प्राइस भी इसकी बड़ी अफोर्डेबल है, हर कोई इसको ना अफोर्ड कर सकता है। तो अब मैं आपके साथ इसका नंबर शेयर कर रही हूँ, ओपन ही नहीं हो रहा, डबल ट्रिपल रैपिंग की हुई है। फाइनली जी ये ओपन हो गई है, पिंक फ्लैश की म्यूट कलर मैंने ऑर्डर किया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। इसका नंबर शेड है जी 002 और आजकल तो ये कलर वैसे भी बड़ा इन है। आपके सामने मैं इसको लगा के इसका कलर चेक कराती हूँ, बहुत ज़्यादा ना लाइट सा म्यूट सा कलर है। इसमें डार्क कलर भी हैं लाइट भी हैं, लेकिन मुझे ये कलर चाहिए था तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया। आई होप आपको अच्छे से इसका कलर शो हो रहा होगा। चलें जी नेक्स्ट पार्सल को अब ओपन करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं और भी आपके साथ इस तरह की वीडियोस शेयर करूँगी। ये है जी फेवर ब्यूटी की लिक्विड आईब्रो पेन, जैसा कि आईब्रो पेंसिल है ना, लेकिन ये पेन फॉर्म में है और वाटर प्रूफ है। और ये क्लेम करते हैं 24 आवर ये स्टे करता है आपके आईब्रोज पे, बिल्कुल भी कलर जो है ना वहाँ से रिमूव नहीं होता। तो इसका कलर है जी इसके हैं चॉकलेट, इसमें और कलर भी है, डार्क ब्राउन है, ब्लैक है तो और चॉकलेट है। तो मैंने ये चॉकलेट कलर में ऑर्डर किया है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। लुक लाइक सेम पेन, बड़ी क्यूर सा ये पेन लग रहा है। अब इसका मैं कैप रिमूव करके इसका कलर मैं चेक करती हूँ कि सेम वैसा ही है जैसा कि मैंने इसको ऑर्डर किया है। और इसकी प्राइस भी बड़ी रीजनेबल है, मैं साथ में इसकी प्राइस भी टैग कर दूंगी। तो इसका कैप को ये देखिए चॉकलेट फ्लेवर चॉकलेट कलर में, मैं बार बार चॉकलेट फ्लेवर में कह रही हूँ, डार्क चॉकलेट कलर ही है ये देखें। लाइट सा ये कितना प्यारा लग रहा है, बड़ा क्यूट सा है। आपने जैसे पेंसिल को अप्लाई करते हैं सेम इसी तरह अपनी आईब्रोज पे इसको अप्लाई कर देना है, लेकिन इसको ऊपर की तरफ आपने अप्लाई करना है। चलें जी नेक्स्ट पार्सल को ओपन करते हैं तो देखते हैं जी इसमें क्या है। वैसे मुझे पर्सनली पार्सल को ओपन करके अनबॉक्सिंग करके बहुत मज़ा आता है, देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा आपको भी।
जी ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है, इसको मैंने काफ़ी दफ़ा ऑर्डर किया हुआ है, तो इसको मैं आपको 100% रिकमेंड कर रही हूँ, आप भी इसको ट्राई कर लीजिएगा, बेस्ट है। पहले जी इस प्रोडक्ट से हम बबल रैप को रिमूव करते हैं, फिर ही हमें पता चलेगा। मुझे तो पता है कि क्या है, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये है जी मिस रोज़ का कंसीलर, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये तो आपके पास होना ही चाहिए, आपकी मेकअप किट में बहुत बेस्ट है इसकी कंसीलर की, और इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। मेरा जो कलर है जी बेज 2 है, आप इसमें कोई सा भी कलर अपने अकॉर्डिंग फेस के कोई सा भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपके फेस पे हर तरह से के मार्क हो या कुछ भी डार्क सर्कल हो उनको हाइड कर देता है बहुत अच्छे से। और यहाँ मैं आपके साथ एक बात शेयर करती जाऊँ, जब भी आपने इसको ऑर्डर करना है तो बिल्कुल कोई अच्छी जिस पे आपको ट्रस्ट हो उस पेज पे या जहाँ से भी आप शॉपिंग करते हैं वहाँ से खरीदिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फेक है। प्राइस तो सेम ही है लेकिन वो वर्क इतना अच्छे से नहीं करते। वैसे ज़्यादातर लोगों को ना ये बेज 2 सूट कर जाता है, और इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं कम प्राइस में आजकल। नेक्स्ट पार्सल को चलें जी ओपन कर देते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दिया करें, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए लाइक तो बनता है। और बबल रैप को रिमूव करते हैं, ये जी मैंने ऑर्डर किए थे पिंपल पैचेस, तो ये काफ़ी देर से मेरी बकेट लिस्ट में था कि मुझे इसको ऑर्डर करना है, तो फाइनली मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। ये क्लेम करते हैं जी 24 आवर के बाद पिंपल वहाँ से रिमूव हो जाता है, तो इंशाल्लाह मैं इसको ट्राई करके आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो या अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे इसको ना मैं अपलोड कर दूँगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं ट्राई करके फिर आपके साथ इसका फीडबैक शेयर करूँगी। अब इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये जी इन्होंने इसके अंदर डाला हुआ है जी इनकी क्या क्या प्रोडक्ट है जो स्किन केयर से रिलेटेड है वो इसके बारे में इन्होंने इसमें बताया। साथ में ये छोटे छोटे से पैच बने हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे डॉट होते हैं ना सेम वैसा ही। आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रहा हो, पता नहीं है वीडियो में क्यों सही से शो नहीं हो रही। ये छोटे छोटे से डॉट हैं, जैसे पिंपल साइज़ होते हैं ना सेम वैसे ही छोटे छोटे से हैं। आपने इसको पिंपल के ऊपर अप्लाई कर देना है और नेक्स्ट डे आपने वहाँ से इसको रिमूव कर देना है। चलें जी नेक्स्ट पार्सल की तरफ चलते हैं, अब इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं जी इसमें क्या है। देख रहे होंगे कि ये सब पार्सल मैं एक साथ ही ओपन कर रही हूँ जी, लेकिन ये सब पार्सल एक साथ नहीं आए थे, कुछ डेज के बाद आए थे, लेकिन मैं कलेक्ट करती रही तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सब पार्सल को ओपन करूँगी एक दफ़ा जी। मैंने ये छोटा सा मिनी सा स्ट्रेटनर ऑर्डर किया था, मुझे ये छोटा सा ना स्ट्रेटनर चाहिए था कि आप कहीं भी ट्रैवल करो तो आप इजीली अपने इसको बैग में ना कैरी कर सकते हैं। इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। इसकी प्लेट जो है ये सिरेमिक की नहीं है, सारा कवर जो है ना ये प्लास्टिक में है, तो मैं इसको चेक करूँगी कि ये वर्क करता है कि नहीं, फिर मैं आपके साथ इसकी मुकम्मल एक डिटेलिंग वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ इसकी शेयर कर दूँगी। बड़ा क्यूट सा है, तो मुझे अभी इसकी प्राइस सही से याद नहीं है, मैं साथ में इसके ना टैग कर दूँगी। चलें जी अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्सल में क्या है। तो नेक्स्ट पार्सल में मैंने ऑर्डर की थी पॉन्ड्स की सुपर लाइटनिंग जेल, तो जैसे कि आजकल ये बड़ी ज़्यादा इन है, तो इसकी मुकम्मल रिव्यू वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, वहाँ से चेक कर लें, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस बात नहीं करूँगी। लिंक ये ऊपर आई बटन में मैं ऐड कर दूँगी, आप ज़रूर इस वीडियो को भी ज़रूर एक दफ़ा वॉच कीजिएगा आप इसको बाय करने से पहले। अब हम नेक्स्ट पार्सल की तरफ मूव ऑन करते हैं और उसको अनबॉक्स करते हैं, तो देखते हैं जी इसमें मैंने क्या ऑर्डर किया था। इस पार्सल का मुझे बड़ा वेट था और आया भी ये तकरीबन थोड़ा सा लेट ही, मैंने इसको कब से ऑर्डर किया हुआ था, तो ये होम डिकोर की आई थिंक मैंने तो मैंने इसमें ऑर्डर की थी कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बैटरी वाली कैंडल्स, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसको ऑर्डर किया। तो एक पेज पे मैंने इसकी प्राइस देखी तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस थी, जबकि इसकी प्राइस आई थिंक 500 से वप थी, तो इस पर मैंने जब देखा तो इतनी अच्छे डिस्काउंट पर मुझे मिल रही थी तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, क्यूट सी लग रही है, आई होप आपको भी अच्छी लग रही होगी। ये ना 3 का पेयर था तो फिर मैंने 3 ऑर्डर की। नीचे आप इसके यहाँ पे इसका बटन है, वहाँ से आप इसको ऑन कर लें, तो इसी के अंदर सेल हैं, तो आपको मैं अभी ऑन करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये। थर्ड को भी ऑन कर दें, ये पता नहीं क्यों नहीं ऑन हो रहा, चलें इसको मैं बाद में चेक करती हूँ, तो अभी मैं लाइट ऑफ करके आपको इसको दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अगर आपको भी अच्छी लगे तो आप भी इसको ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा।
चलें जी नेक्स्ट पार्सल को आप अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये आपको मैं पहले ये बात यहाँ शेयर कर रही हूँ कि आप देख रहे होंगे कि ये प्लेस कोई और है। तो जी ये बिल्कुल कोई और प्लेस है, ये पार्सल मुझे कहीं और पे रिसीव हुआ था, तो इसलिए मैंने ना इसको इधर ही ओपन कर लिया, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैंने ना इसका पार्ट इसमें ना ऐड कर दिया। तो चलें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस पार्सल में मैंने क्या ऑर्डर किया। बहुत अच्छी पैकिंग में मुझे ये सारा पार्सल रिसीव हुआ है। पहले मैं इसके बबल रैप को अनरैप करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है और कौन सी वेबसाइट से मैंने इसको ऑर्डर किया। अगर आप में से कोई चाहे इसको बाय करने तो लिंक मैं ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये जो आपके सामने बॉक्स शो हो रहा है डिब्बी, ये एलोवेरा जेल है, प्योर नेचुरल है, ये ओलिव नेचुरल की मैंने एक वेबसाइट है इधर से ऑर्डर किया, इनके पास बिल्कुल नेचुरल है, ऑर्गेनिक इनकी सारी प्रोडक्ट है, कोई इसमें केमिकल नहीं है। तो मुझे ये एक एलोवेरा की जेल चाहिए थी जो मैंने ऑर्डर की। सेकेंड मैंने ऑयल ऑर्डर किया, आप चाहें इसको फेस के लिए यूज़ करें या किसी और पर्पज़ के लिए, तो सबके लिए ये बेस्ट है। तो आप इस तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेमेडी शेयर की हुई हैं, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल सकती है इसको मैं किस में यूज़ कर। सेकेंड मैंने ऑर्डर किया था रोज़ ऑयल, रोज़ ऑयल भी हम अपने फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थर्ड मैंने जो ऑर्डर किया है जी विटामिन सी ऑयल। चलें जी आप बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि अंदर कैसी बोतल है। अंदर जी है डार्क कलर की ब्लैक और ये ग्लास बोतल है, वाइट कलर का इसका कैप है। और मेरी प्यारी प्यारी सखी और सहेलियों, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैंने बाय की हैं वो आप लोग भी बाय करें, और ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेम इसी ब्रांड की करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन ये कम बजट में अफोर्डेबल प्राइस में इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फोर्थ नंबर पे मैंने ऑर्डर किया ये टोनर बॉटल है, जो आप ये वीडियो में देख रही होंगे ये टोनर बॉटल है। तो जैसा कि आगे समर आ रहा है तो समर में हमें टोनर चाहिए होंगे, तो इनका ये बहुत अच्छा टोनर है, तो फिर मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी, ये हमारा लास्ट पैकेज था इस वीडियो का। और जो ये शॉपिंग मैंने आपके साथ शेयर की है ये सब प्राइस जिनकी इस सब चीज़ों की जो प्राइस है ना 500 से कम ही होगी, सब बजट फ्रेंडली है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करना मत भूलिएगा। ओनली जो ये पॉन्ड्स की सुपर लाइटनिंग क्रीम है इसकी प्राइस थोड़ी सी 600 के करीब है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़। Thank you.